हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ अपडेट है, उस पर बात करते हैं। तो पहली अपडेट कोवैक्सीन को लेकर है। तो इंडिया में बड़ी संख्या में लोग कोवैक्सीन भी लगवा चुके हैं और कोवैक्सीन लगवाने के बाद विदेश जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि WHO की तरफ से कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है, जिसकी वजह से लोग विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और बार बार मीटिंग दर मीटिंग WHO की तरफ से की जा रही है। और एक बार फिर 26 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी WHO की तरफ से कि कोवैक्सीन को मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक बार फिर तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और 3 नवंबर तारीख फिक्स की गई है कि 3 नवंबर को एक और मीटिंग की जाएगी। अभी कुछ और चीज़ें मांगी गई हैं भारत बायोटेक से, जो कोवैक्सीन भारत में बनाती है भारत बायोटेक, उससे कुछ और जानकारियां मांगी गई हैं कोवैक्सीन को लेकर। तो उस जानकारी को देने के बाद WHO एक बार फिर मीटिंग करने जा रहा है 3 नवंबर को। उसमें फैसला लिया जाएगा कि मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या कोई और तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि WHO बार बार कोवैक्सीन को लेकर तारीख दर तारीख आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भारत सरकार में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था मान्यता जल्द मिल जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर नई तारीख दी गई है मान्यता को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर। तो अब दोस्तों आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा कि कोवैक्सीन को लेकर कब मान्यता देता है WHO, क्योंकि भारत बायोटेक से कुछ और जानकारी मांगी गई है और इस संबंध में 3 नवंबर को एक और मीटिंग होने वाली है WHO की तरफ से। तो बहरहाल, जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 26 अक्टूबर को मान्यता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद 26 अक्टूबर तक मान्यता मिल जाएगी WHO को, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया है और WHO ने एक और तारीख फिक्स कर दी है 3 नवंबर की। तो बहरहाल दोस्तों, कोवैक्सीन वाले अभी और इंतज़ार करें। अगली अपडेट दोस्तों सिंगापुर फ्लाइट को लेकर है। तो सिंगापुर ने भी इंडिया समेत 5 देशों से प्रतिबंध हटा दिया है। 26 अक्टूबर से ही प्रतिबंध हट चुका है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। तो जो भी लोग बड़ी संख्या में लोग हैं ऐसे जो सिंगापुर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो 26 अक्टूबर से ही ये प्रतिबंध हट चुका है लॉन्ग टर्म पास होल्डर वालों के लिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म विजिटर को अलाउड किया है सिंगापुर ने कि वो अब एंट्री कर सकते हैं सिंगापुर में आ सकते हैं। कुछ ज़रूरी अप्रूवल आपको लेना होगा, अप्रूव्ड लेटर ऑफ एंट्री लेना होगा, जो कि इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटी ICA इशू करेगा। इसके अलावा आपको सेफ ट्रेवल पास यानी STP का अप्रूवल लेना होगा, जो कि सेफ ट्रेड ऑफिस STO इशू करेगा। तो कुछ ज़रूरी अप्रूवल लेने के बाद आप सिंगापुर का ट्रेवल कर सकते हैं। 48 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट होगा, जिस पर आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल जो होंगी वो इंग्लिश में होनी चाहिए आपके PCR टेस्ट रिपोर्ट पर। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आप सिंगापुर के लिए आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए अब आसान हो गया है, जो लोग सिंगापुर ट्रेवल करना चाहते थे। लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहा था भारत, सिंगापुर ने पाबंदी लगाई हुई थी फ्लाइट को लेकर, तो वो पाबंदी 26 अक्टूबर से हट चुकी है इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के लिए। अगली अपडेट दोस्तों कुवैत की तरफ से। तो कुवैत की तरफ से अच्छी खबर यह है कि 24 अक्टूबर से ही कुवैत एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी के साथ में ऑपरेट होना शुरू हो चुका है और दुनिया के सभी देशों से अब एयरलाइंस कुवैत एयरपोर्ट पर आ रही हैं, यानी कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है कि इस देश से इतने लोग आ सकते हैं, इस देश से इतने लोग आ सकते हैं। तो अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारी फ्लाइटें कुवैत के लिए ऑपरेट होना शुरू हो चुकी है। तो जो भी लोग सस्ते टिकट का इंतज़ार कर रहे थे कि कुवैत के लिए टिकट सस्ता कब होगा, तो अब टिकट एक्चुअली में कुवैत के लिए सस्ता हो चुका है। तो अब आप कुवैत सस्ते टिकट में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी तक ऐसा था कि कोटा सिस्टम लागू था, जिसकी वजह से फ्लाइटें कम ऑपरेट हो रही थी और टिकट 90,000, 95,000 ऐसे करके टिकट बिक रहे थे, या जो टिकट थोड़े बहुत सस्ते भी थे तो वो वाया होकर जा रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उनका स्टे हो रहा था। तो उसके बाद 24 अक्टूबर से कुवैत गवर्नमेंट ने इस रेस्ट्रिक्शन को हटा लिया और सभी एयरलाइंस को एंट्री करने के लिए परमिशन दे दी, कुवैत एयरपोर्ट को फुल कैपेसिटी के साथ में ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो अब टिकट सस्ते हो चुके हैं, तो कुवैत अब आप कम पैसे में ट्रेवल कर सकते हैं, सस्ते टिकट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग भारत में आ रहे हैं, यानी अगर आप इंडिया में आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट सऊदी से है, कुवैत से है, कतर से है, लंदन से, अमेरिका से है, कहीं से भी आपकी फ़्लाइट है इंडिया के लिए, तो आपको 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट कराना होगा और उसको आपको अपलोड भी करना होगा, अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर आपको अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना है, जो newdelhiairport.in की वेबसाइट है उस पर आपको अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पर आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं,
आपका नाम क्या है वो फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फ़्लाइट नंबर क्या है, किस नंबर किस फ़्लाइट नंबर से आ रहे हैं, और इसके अलावा PNR क्या है, सीट नंबर क्या है, नेशनलिटी आपकी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपको अपना पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों किस डेट में आप आ रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, किस कंट्री से आप आ रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको PCR टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, साथ में आपका वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे और इसका प्रिंटआउट आपको अपने साथ में लेना होगा। अगर आप प्रिंटआउट नहीं लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा मोबाइल में, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगली अपडेट दोस्तों इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी भी 10 देशों पर पाबंदी लगाई हुई है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है। यानी यहां के नागरिक अभी सऊदी अरब में डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और वाया होकर ही जा रहे हैं। हालांकि कुछ कैटेगरी वालों को छूट दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और बड़ी संख्या में लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई बार इंडिया ने सऊदी अरब फ्लाइट के लिए कोशिशें की, विदेश मंत्री ने बातचीत की, एम्बेसडर ने बातचीत की, कई बार मीटिंगें हुई। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने भी कई बार कोशिशें की। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया था कि फ़्लाइट को लेकर बातचीत हुई है। अभी 3 दिवसीय दौरे पर भी इमरान खान सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन सऊदी हुकूमत पर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ और अभी तक फ़्लाइट को लेकर सऊदी गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है। अब क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी जो छुट्टी पेपर है, इसके अलावा जो इकामा, उसको फ्री में एक्सटेंड किया था 30 नवंबर तक, तो अगला महीना नवंबर कहा जाएगा, लेकिन फ़्लाइट को लेकर अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है दोस्तों। तो हम सबको वेट ही करना होगा। बहरहाल अगर आप जाना चाहते हैं सऊदी अरब तो आपके पास समय है आपका, क्योंकि एग्जिट रीएंट्री वीज़ा जो है और इसके अलावा जो इकामा है वो 30 नवंबर तक बढ़ा हुआ है, तो अभी भी आपके पास समय है। फ़्लाइट को लेकर दोस्तों कोई अपडेट नहीं आई है। तो अगर आप सऊदी अरब जाना ही चाहते हैं तो वाया दुबई होकर या वाया नेपाल होकर आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। आगे दोस्तों इस पर कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुँचाई जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।